नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर वर्ल्ड के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे बीबीसी के नई गेमिंग कैबिनेट 1602 मॉडल की। इसमें आपका एक फ्रंट में 33 एलईडी का 120 एमएम का फैन दिया गया है। उसके साथ साथ इसकी सारी स्पेसिफिकेशन और सारी डिटेल्स वगैरह इस वीडियो में कवर की गई है। और इसमें ये भी कवर किया गया है कि इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा फैन आप कैसे फिट कर सकते हैं। कई लोगों की कंप्लेंट्स थी कि इसमें फ़ोटो में दिखाया गया है कि दो फैन फिट कर सकते हैं लेकिन इसके फ्रंट पैनल में स्पेस नहीं है, तो उस चीज़ को भी हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो सारी डिटेल्स वगैरह जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो अब हम इस कैबिनेट की अनबॉक्सिंग करेंगे, तो देखते हैं इसके अंदर जब आप कैबिनेट बाय करेंगे तो आपको क्या क्या फीचर्स और क्या क्या डिटेल्स इसके अंदर मिलेंगी। ये हमने कैबिनेट ओपन कर लिया। सबसे पहले हम इसके फ्रंट पैनल की बात करते हैं। आप ये देख सकते हैं फ्रंट पैनल में बहुत ही सारा अच्छा स्पेस दिया गया है एयर के लिए। फ्रंट पैनल में ही आपका पावर ऑन, रिस्टार्ट, दो यूएसबी 2.0, एक यूएसबी 3.0 दिया गया है। इसके साइड पैनल में आपका हाफ बॉडी एक्रेलिक सीट या मतलब प्लास्टिक का हाफ ट्रांसपेरेंट विंडो दी गई है। हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर और हमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम केबल्स की बात करें तो केबल्स की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन इस बार की गई है। क्वालिटी अच्छी है, ब्लैक कोटेड सारी केबल्स इसके अंदर दी गई हैं। स्क्रूज की बात करें तो ये आप देख सकते हैं स्क्रूज भी आपके ब्लैक कोटेड सारे के सारे दिए गए हैं। अब हम इसके अंदर बात करते हैं कि हार्ड डिस्क वगैरह और डीवीडी एडिटर कितने हम फिट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देख सकें तो इसके फ्रंट पैनल में एक डीवीडी एडिटर के लिए यहाँ पे स्लॉट दिया गया है, तो आप इसमें एक डीवीडी एडिटर इसके अंदर फिट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर एक दो SSD फिट कर सकते हैं और इसके अंदर दो 3.5 इंच की हार्ड डिस्क यहाँ पर बॉटम में इंस्टॉल कर सकते हैं, और या फिर एक 3.5 इंच की यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे 3.5 इंच की इंस्टॉल कर देंगे तो यहाँ पे आप SSD इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो ये था इसका हार्ड डिस्क और डीवीडी एडिटर के बारे में। अब हम बात करते हैं बैक पैनल की। बैक पैनल में आप देख सकते हैं टॉप माउंटेड इसमें PSU स्पेस है। एक 80 mm के फैन का रियर में भी स्पेस दिया गया है, आप 80 mm का फैन यहाँ लगा सकते हैं। साथ आपके एक्सपेंशन स्लॉट दिए गए हैं जिससे कि आप अपने बड़े से बड़े ग्राफिक कार्ड, बड़े से बड़े और किसी तरह के कार्ड को इसमें यूज कर सकते हैं। और अंदर मदरबोर्ड के लिए भी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है, आप इसमें ATX, मिनी ATX, माइक्रो ATX मदरबोर्ड फिट कर सकते हैं। अब हम इसके फ्रंट पैनल को ओपन करते हैं। ये मैंने फ्रंट पैनल ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक 33 LED का 120 mm का फैन दिया गया है फ्रंट में। और इसके अंदर हम एक फैन और फिट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम इसके अंदर फैन फिट कर सकते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक 120 mm का फैन है, तो ये आपका फैन यहाँ पैनल में फिट होगा। आपके चेसिस में इसके लिए जगह नहीं है लेकिन इसकी जगह पैनल के अंदर दी गई है। उसके बाद आपको ये इस तरीके के दो लॉन्ग स्क्रू लेने पड़ेंगे और वो आपके यहाँ पे इसको फैन को इसमें फिट कर देंगे। कई लोगों ने इस पे क्वेश्चन किया था कि इसमें फ्रंट में ही एक ही फैन का स्पेस है लेकिन इसमें दो फैन के लिए स्पेस दिया गया है, एक एक्चुअली हिडन है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में कि आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं दूसरे फैन को फिट करने के लिए फ्रंट पैनल में।
देखिए ये इस तरीके से आपका फ्रंट पैनल में फिट हो जाएगा, और फिर इसके बाद आप फ्रंट पैनल को अपना लगाने के बाद यहाँ पे फिट कर सकते हैं। और अगर आपकी दोनों फैनों की अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो आप दूसरा फैन भी यहाँ पे फिट कर सकते हैं फ्रंट पैनल में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये एक फैन है हमारे पास, तो ये फैन के लिए भी यहाँ पे स्पेस दिया गया है एक 120 mm का। आप इस तरीके से दो फैन इसमें फ्रंट पैनल में फिट कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपके पास लॉन्ग स्क्रू ना हो, अगर आपका इस तरीके से ओपन बेस है, अगर आपका इस तरीके से क्लोज बेस वाला फैन है तो आपको लॉन्ग स्क्रू की ही ज़रूरत है। अगर इस तरीके से क्लोज्ड है, ओपन नहीं है यहाँ पे बीच में, और लेकिन अगर आपका इस फैन की तरह ओपन सिस्टम है अगर आपके यहाँ पे ओपन सिस्टम है जैसे कि इसमें देख सकते हैं यहाँ पे गैप दिया गया, तो आप यहाँ पे स्मॉल स्क्रू के थ्रू लॉन्ग स्क्रू ड्राइवर लगा के भी इसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं। आपको लॉन्ग स्क्रू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर हमारी डबल एट सीरीज की कैबिनेट में लॉन्ग स्क्रू दिए गए हैं। तो ये इस कैबिनेट की आपकी कंप्लीट कनेक्शन थी। इसके अंदर आपको 133 LED का 120 mm का प्री इंस्टॉल फैन मिलेगा। अगर आप चाहें तो और टोटल मिला के दो फैन आप फ्रंट पैनल में फिट कर सकते हैं। तो ये इस कैबिनेट की पूरी अनबॉक्सिंग थी और मैंने इसके सारे फीचर लगभग कवर करें। अगर कोई फीचर है भी आओ तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं। वीडियो का एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।